फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज मैं फिर लेकर आई हूँ कुकिंग वीडियो और मैं आज बना रही हूँ चने की दाल में तुरई। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लौकी हमेशा बनाती हूँ चने की दाल में, पर तुरई में फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। इसके लिए लिए है मैंने आधा किलो तुरई और दो टमाटर, दो प्याज और दो ही हरी मिर्च ली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुरई को छील लेते हैं। तुरई छीलने के लिए तुरई का आगे पीछे के पार्ट को काट देना है और कोशिश करें कि तुरई आपकी एकदम ताज़ी होनी चाहिए। तुरई ताज़ी होंगी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। हरी सब्जियां जितनी ताज़ी होती हैं उतनी ही अच्छी बनती हैं और छीलने में भी आसानी होती है। अगर ये बासी होती हैं तो ये छीलने में थोड़ा दिक्कत करती हैं। आप छीलर से इसे छील लीजिए। देखिए इस तरह से, आपको बहुत मोटा बहुत पतला नहीं छीलना, इस तरह से छील लीजिए। और छीलने के बाद धो के तब आपको काटना है। कटी हुई तुरई को नहीं धोना है, तो छील के हम तुरई को धो लेते हैं। छिली हुई तुरई को हमने धो लिया है और मैं अब इनको काट कर दिखाती हूँ आपको। बहुत बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटना है। मैं क्या करती हूँ, बीच से आधा करके और इसके क्यूब काट लेती हूँ। बहुत छोटे या बहुत बड़े नहीं, गोल भी मैं नहीं काटती हूँ। मैंने हमेशा इसी तरह से काटी है। आप चाहें तो गोल काट सकते हैं। देखिए मैंने चार पीस कर लिए, अब इसके छोटे छोटे क्यूब में काट लूँगी। तो इस तरह से आप भी काट के तुरई को रख लीजिए। और आपके यहाँ तुरई को क्या बोलते हैं? हमारे यूपी में तो तुरई ही बोलते हैं। लखनऊ से आगे की साइड बढ़ते हैं तो उस साइड बोलते हैं ननुआ। मैंने भी काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ सुनी थी। और देखिए अब हमारी तुरई सारी कट गई है, इस तरह से मैंने काट ली है। और हम काटते हैं प्याज। प्याज को भी मुझे बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर इस वाली रेसिपी के लिए हमें प्याज को पीसना नहीं है। पीसे हुए प्याज में क्या होता है, मीठापन आता है। तो इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। चॉपर से करिए, चाकू से करिए, मैं चाकू से ही कर लेती हूँ। सारे प्याज को मैंने छील के पहले पानी में भिगो दिया था, इससे प्याज की जो मिर्च होती है वो हमारी आँखों में नहीं लगती है। तो सारे प्याज को चॉप करके रख लिया है मैंने। और बारी आती है टमाटर की, और टमाटर को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। देखिए बारीक बारीक टमाटर को भी हम चॉप कर लिया है। और रखते हैं हम कुकर। ये रेसिपी हमें कुकर में ही बनानी है। कुकर गर्म हो जाने पे मैंने लगाया सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही बनानी। तेल थोड़ा सा आम सब्जी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेना है क्योंकि प्याज भूनना है। तेल गर्म हो जाने पे मैंने डाला है एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। हींग भी ज़रूरी है इसमें। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर डालेंगे तो स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। और दो हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दिया। हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाने पे हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डाल के आपको भूनना है। प्याज का कलर चेंज हो, आपको प्याज जलाना नहीं है। देखिए प्याज मैंने कितना बारीक काटा है, चाकू से लगभग ऐसा ही काटा। चॉपर से काटेंगे तो और बारीक हो जाएगा। कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ चॉप किया है। मुझे ज़्यादातर चॉप करा हुआ ही प्याज अच्छा लगता है। तो प्याज को हमें भून लेना है। प्याज भून जाने पर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले डालने के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में लिए हैं मैंने एक चम्मच हल्दी, जो मसालदानी का चम्मच होता है, और थोड़ी सी मिर्च और दो चम्मच धनिया। गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला है। और सब्जी हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो इसलिए मैंने पानी डाल के थोड़ा सा घोल तैयार कर लिया है। सूखी सब्जी बनाती हूँ तो सूखे मसाले डालती हूँ। और इसको लगातार चला के भून लीजिए। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया था, पानी सूख जाए और मसाले से तेल अलग होने लगे तो हमारे मसाले भुन जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तभी आपको टमाटर डालने हैं। देखिए मसाला तेल छोड़ रहा है, अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। टमाटर भी मैंने कितने बड़े साइजेस में काटे आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। टमाटर डाल के एक बार फिर से आप मिक्स कर दीजिए। और टमाटर डाल के आपको ढक के एक मिनट ही और पकाना है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गल गए हैं यानी कि टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे धुली हुई कटी तुरई। तुरई डाल के आपको एक बार फिर से मिक्स करना है। सारे मसाले तुरई में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से आपको मिक्स करना है। और अब हमें इसकी करनी है भुनाई, क्योंकि तुरई में अपना पानी होता है, उस पानी को हमें सुखाना है। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, तभी इसका स्वाद, असली स्वाद आएगा तुरई का चने की दाल में।
तो गैस को मीडियम कर लीजिए, हाई पे नहीं है। देखिए भूनते भूनते मुझे लगभग 2 मिनट हो गए हैं और तुरई का जो पानी है वो सूख गया है, तुरई मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इस टाइम पे तुरई गल चुकी है, लेकिन अभी हमें चने की दाल भी इसमें ऐड करनी है। और देखिए मैंने कितना अच्छे से इसे घोट सा लिया है। भूनने में 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएंगे आपको। अब डाल देते हैं हम चने की दाल। चने की दाल मैंने एक कटोरी ही ली थी, इसको धोकर भिगो कर रख दिया था 1 घंटा पहले। अगर आप चने की दाल भिगोएंगे नहीं तो दाल अच्छे से गलेगी नहीं। और डालते हैं नमक स्वाद अनुसार। आपको याद रखना है लौकी तुरई में नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए नमक थोड़ा सा हिसाब से ही डालें। और एक बार फिर से मिक्स कर। और अब डालेंगे इसमें पानी। पानी मैंने एक कटोरी ही लिया, जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी के हिसाब से मैंने पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दाल भी हमारी फूली हुई है, तो ज़्यादा पानी की उसको नीड नहीं है। और ये सब्जी हमारी हल्की गाढ़ी गाढ़ी सी ही बनती है, तो सिर्फ मैंने एक कटोरी ही पानी डाला। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं। ढक्कन लगा के 4-5 ही सीटी लगानी। 4 से 5 सीटी में चने की दाल आराम से गल जाएगी। 4 सीटी आ चुकी हैं। देखिए अब कुकर से प्रेशर ख़त्म हो गया है, कुकर खोल लेती हूँ मैं। देखिए दाल किस कंडीशन में है। दाल और तुरई अभी अलग अलग है, लेकिन दाल गल गई है। गैस को मीडियम कर देते हैं, लो टू मीडियम रखना है और इसे खुली 4 से 5 मिनट और पकाना है। मैंने गैस बंद कर दी थी इसलिए मैंने दोबारा से गैस जलाई है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे धीमे धीमे बनते हुए। अब हमें इसे घोटना है। आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, लेकिन इसे घोट के खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। पानी अलग अलग नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने रई की सहायता से घोटा। आप मैशर से भी घोट सकते हैं, इसकी घुटाई बहुत ज़रूरी है, तभी दाल में असली स्वाद आता है। तो घोटने के बाद में देखिए दाल का टेक्चर कैसा हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था, अभी डाल रही हूँ। गरम मसाला थोड़ा ज़रूरी है इस रेसिपी में, इसलिए मैंने डाला है। गर्मी है तो थोड़ा डाला है। देखिए दाल हमारी बनकर तैयार है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। मैं सारे में ही डाल रही हूँ, आप अलग अलग बॉल में भी देसी घी डाल सकते हैं। देसी घी डालने से इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैंने इसे रोटियों के साथ सर्व किया है, आप चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हरा धनिया डालना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।